अनुभव खैर इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जो पिछले करीब लंबे दशक से इंडस्ट्री में बरकरार हैं। इंडस्ट्री में रहते हुए अनुपम खेर ने कई सारी हिट व बड़ी फिल्मों में काम भी किया है और इस दौरान उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया है। अनुपम खेर की बात करें तो इनका संघर्ष भी किसी से छुपा नहीं है। बाकी स्टार्स की तरह इनके जीवन की कहानी भी काफी ज्यादा दर्द भरी रही है। खैर मौजूदा दौर में अनुपम खेर किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन अपने इनिशियली डेज में जो उन्होंने संघर्ष किया है उसे जानने व सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमी खिसक जाएगी। अनुपम खेर ने इंडस्ट्री में रहते हुए कई सारी बड़ी फिल्में दी हैं और उनकी हर एक फिल्म सुपरहिट साबित भी रहती है। उन्होंने किसी के बदौलत नहीं बल्कि अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक खुद का पहचान बनाया। अनुपम खेर भले ही आज करोड़ों के मालिक हों, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा भी समय आया था जब उनके पास रहने तक के पैसे नहीं थे। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो अनुपम खेर की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया जब वो बिल्कुल कंगाल थे, उनके पास रहने के लिए पैसे नहीं थे। जब पैसे नहीं थे तो उन्होंने रेलवे स्टेशन में रहकर अपना गुजारा बसर किया, परंतु उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज वो करोड़ों के मालिक बन गए हैं। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि अनुपम खेर को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। संघर्ष की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुंबई, जिसे महानगरी के नाम से जाना जाता है, ये अपनी चकाचौंध से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और यहाँ हर दिन करीबन हजारों की संख्या में लोग आते हैं अपनी करियर को बॉलीवुड में आजमाने। लेकिन उन हजारों की संख्या में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो कामयाबी हासिल कर पाता है और अपने सपने को साकार कर पाता है। ऐसे ही कुछ कहानी रही है अनुपम खेर की भी। अनुपम खेर के लिए उनके शुरुआत के दिन बहुत ज्यादा मुश्किलों भरे थे और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। उन्हें कई सारी दिक्कतें तो आईं, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अनुपम खेर कई बार अपने संघर्ष भरे दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने शुरू में बहुत सी रात रेलवे स्टेशन पर रहकर गुजारी है, क्योंकि पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत रही और परेशानी भी रही, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो शिमला में इनका जन्म हुआ था। 7 मार्च 1955 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक कश्मीरी पंडित के यहाँ इनका जन्म हुआ और हिंदी सिनेमा में जब इन्होंने कदम रखा तो इन्होंने अब तक करीब 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया है। घर की हालत इन्हें बिल्कुल मालूम थी और इसलिए उन्होंने संघर्ष करने के लिए मुंबई महानगरी की तरफ रुख किया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनुपम खेर ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों भरी रही है। उनकी पहली पत्नी का नाम मधु मालती था। इसके बाद उन्होंने साल 1985 में किरण खेर से उन्होंने शादी कर ली। उनके बेटे का नाम सिकंदर खेर है। हालांकि फिल्मी सफर की तरफ एक बार फिर से नजर डालें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में आगवन नाम की एक फिल्म से की थी। साल 1984 में आई फिल्म सारांश उनकी हिट फिल्म मानी जाती है। उन्होंने 1984 में फिल्म सारांश में 28 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाया। मुंबई में अपने अभिनय के संघर्ष के दिनों में वो रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर सोया करते थे और कई बार अपने संघर्ष भरे दिनों को याद करके कई बार रुआंसे भी हो चुके हैं। अपनी पहली फिल्म सारांश को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में उनके पास काम की कमी नहीं आई और वो जो भी किरदार निभाए वो बड़े पर्दे पर हिट हो गया और धीरे धीरे वो कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छूने लगे। मौजूदा दौर की बात करें तो आज भी अनुपम खेर के पास फिल्मों की कमी नहीं है। आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं और इन फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं।